अंदर जाओगे, यहाँ से दो मिनट वॉक करोगे सीधे स्टेड वे, देन राइट हैंड सीधे टर्न, जस्ट लाइक ए 10 मीटर वॉक राइट हैंड दे हैव विंडो, यू आई विल टेक इट. लेफ्ट साइड यहाँ पे टिकट नहीं मिलता. नहीं नहीं नहीं. अच्छा अंदर जाके टिकट मिलता है. एंड दे हैव ऑनलाइन बट दे एक्स्ट्रा, दे मेक एक्स्ट्रा चार्ज. ओके ओके. एंड व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज विजय. ओके. एंड आई स्टिल आई वर्क विद अ टूरिस्ट एंड आई एक्सप्लेन टू टूरिस्ट व्हाट हैव सिचुएशन इन देयर एंड मस्ट बी केयरफुल हियर, नो नीड टू बाय एनीथिंग. बिकॉज़ देयर आर पीपल लॉट ऑफ पुशिंग, दे आर मे गाइड एंड आई एम दिस, मस्ट बी केयरफुल. ओके भैया, हम आपसे इफ यू नीड गाइड देन यू टेक सम नेचुरल गाइड, दे हैव अ नाइस पर्सन टू टेक यू. ओके ओके, थैंक यू भैया. यू वेलकम. बताओ रास्ते तो जूते अलाउड है, जूते के ऊपर पहनना पड़ता है. ओके ये कितने में दे? 10 का है सर, अंदर 20 का था, 10 का बाहर. अच्छा ओके ओके. कितना देना है भाई ये? इसको चलो इसको वॉक कराओगे तो लगेगा. ये शूज का निकलना, ये शूज के ऊपर ही पहनना है, शूज नहीं निकलना है. ओके 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 ओके, ठीक है दे दो. 4 और 5 3 7 7 10 का है ना अंदर, अगर पता चला ना 5 का है तो रिटर्न करके आना. अगर 5 का मिले तो 7 मेंबर. चलो ओके, थैंक यू. 7 दे दो. तो गाइज अभी हम जा रहे हैं ताजमहल के वेस्टर्न गेट की तरफ. जैसे हमारे रिक्शा वाले ने हमें अभी बताया कि जो टिकट है वो हमें यहाँ पर मतलब गेट के अंदर जाकर ही वहाँ हमें टिकट लेना पड़ेगा. आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं बट उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे. तो चलो हम अभी चलते हैं इस ताजमहल के वेस्टर्न गेट की तरफ. हम आ चुके हैं अंदर, हम आ चुके हैं अभी वेस्टर्न गेट के अंदर. आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दो रास्ते जा रहे हैं और आपको यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कुछ आवश्यक सूचनाएं मिलेंगी. अभी हम चलते हैं आगे की तरफ. यहाँ पर आपको एक पुलिस चेक पोस्ट मिलेगा. यहाँ पर ऐसे ही सेम 4 गेट है ताजमहल के, एक नॉर्थ, एक ईस्ट और एक साउथ और एक वेस्ट है जिससे हमने अभी एंट्री की है. हम अभी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमें टिकट कहाँ पर मिलेगी. अभी हम आगे जाकर देखते हैं कि हमें टिकट कहाँ पर मिलेगा. इतना अच्छा बनाया है इन लोगों ने, यहाँ पर इन्होंने कितना अच्छा बनाया हुआ है, ये गार्डन टाइप बनाया हुआ है यहाँ पर. और आपको यहाँ पर जो रोड है वो भी बहुत अच्छा मिलता है. यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड पर भी गार्डन है और बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं. यहाँ पर आपको जो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी एक गाड़ी मिलेगी. आप यहाँ देख सकते हैं इस साइड पर भी और यहाँ सारी साइड पर आपको बहुत अच्छे मतलब ग्रीनरी मिलेगी. यहाँ पर एक मंकी भी है. हमारे साथ और दो मंकी आए हुए है. ये कौन है? ये मेरी बहन, आप इसे जानते ही होंगे. और ये जो है ये इन अंकल का बेटा है, इनका नाम सागर अंकल है और इसका नाम अर्जुन है. ये इनका नाम कृति आंटी है, ये इसकी मम्मी है. ये इसको तो आप जानते होंगे. ये सोनाली आंटी है, इसकी मम्मी. और ये शिव है, ये संदेश अंकल है, इसके और इसके पिता पापा. हाँ इसके पापा. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गार्डन है. यहाँ पर आपको बैठने के लिए, हाँ यहाँ पर आपको बैठने के लिए जगह मिलेगी इस गार्डन में. ये इस मंकी का छोटा भाई है. ये एक और मंकी है.
आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइट के लिए पोल्स भी मिलेंगे। गार्डन है ये, आपको बहुत बड़ा मिलता है। वहाँ पर आपको छोटे बच्चों के लिए खेलने की कुछ चीजें भी है। चार पांच काले कुत्ते भी दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रे डॉग्स भी मिलेंगे। ये भी खुल, आप देख सकते हैं एक मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है। ये छोटा एक, यहाँ पर दो छोटे मंकी और एक बड़ा मंकी। एक आइसक्रीम का स्टॉल भी मिलेगा, बट अभी हम में से किसी का मूड नहीं है आइसक्रीम खाने का, बिकॉज बहुत ठंडी है यहाँ पर। यहाँ पर आप संदेश अंकल देख सकते हैं। हम खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, बच्चे नहीं खा सकते। नहीं, छोटे बच्चे नहीं खा सकते, और मंकीज तो स्पेशली नहीं खा सकते। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी मम्मी आगे चलते हुए। ये देख सकते हैं आप इस बंदे को। यहाँ पर आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे। अभी आपको यहाँ पर भी 3-4-5 बंदर मिलेंगे। यहाँ पर हर जगह बहुत ग्रीनरी है। यहाँ पर आपको कुछ लोग मिलेंगे जो खाने की चीजें बेचते हैं। यहाँ पर फिर से बंदर दिख गया। गाइस, अभी हम जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर, हमें पता है हम बहुत जल्दी थकने वाले हैं। तो फिर 3 घंटे की जर्नी है गाइस। गाइस, हमको होटल वालों ने निकाल दिया है 10 बजे से ही। गाइस, हम लोगों को अभी 3:30 बजे हम लोग का बारबेक्यू का स्लॉट है। हम लोग को उसके लिए भी जाना है, बट अभी हम लोग भाग के ताजमहल देखने वाले हैं, और उसके बाद हमें आगरा फोर्ट या फिर रेड फोर्ट भी जाना है। हमें हमारे 10 बजे। ये झूठ बोल रहे गाइस, हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर दिया और बैग्स वहीं पर रख दिए। आज हम होटल वालों ने निकाल दिया, इसीलिए भटक रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ, यहाँ पर आपको एक स्टोन टाइप मिलेगा, जहाँ पर आपको यहाँ की जो हिस्टोरिकल फाउंडेशन है वो मिलेगी। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप कुछ चीजें जो लिखी हुई है वो रीड कर सकते हैं। अगर आपको रीड करना है तो फिर आप पॉज करके रीड कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग फोटो निकल रहे हैं, और यहाँ पर आपको मॉन्यूमेंट ऑफ लव का भी एक स्टोन मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ, यहाँ पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चीज। गाइज, अभी ये जो संदेश अंकल और सोनाली आंटी है, इनका प्लान है ऐसा ही एक मॉन्यूमेंट ऑफ लव बनाने का। इनकी जो बाजू की जमीन है सटाना में, वहाँ पर सटाना महाराष्ट्र में आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ताजमहल का सेक्शन है वो, और यहाँ पर आपको खर्चा कितना किया था? बोल। ये है सागर अंकल और ये है सागर आंटी, इनका भी प्लान है गुलाबी। सागर आंटी क्या होता है भाई, इनका एक प्लान है गुलाबी ताजमहल बनाने। दूल्हा चल। ये है सागर अंकल और ये कृषि आंटी, इनका भी प्लान है गुलाबी ताजमहल बनाने का दूल्हे में। कोई ब्लैक ताजमहल बनाना है। ये जो बंदा है, इसे ब्लैक ताजमहल बनाना है। ये किरण अंकल और ये है इनका एक प्लान है काला ताजमहल बनाने। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं जूम कर देता हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है ये जो रास्ता है लेफ्ट साइड का, ये डॉक्टर की तरफ जाता है, और राइट साइड का रास्ता ताजमहल की तरफ जाता है। यहाँ पर हमें माधुरी आंटी और अभी मिलेंगे। माधुरी आंटी और ये है अभी। ये चैत्रा की मम्मी, और ये चैत्रा की मम्मी, और ये उसका भाई है। मिली थी ना हमें। ओए, जो ताज वेस्ट गेट है, और जो वेस्ट गेट पार्किंग है, और यहाँ पर आपको आगरा फोर्ट का भी ये मिलेगा। यहाँ पर आपको आगरा फोर्ट कहाँ पर है ये मिलेगा, और टिकट विंडो आप देख सकते हैं उस साइड पर 100 मीटर। ये आप देख सकते हैं, ये तुषार अंकल है, ये इस लड़की के पिताजी है, इस अजीब लड़की के पिताजी। गाइस, यहाँ पर आपको बुकिंग काउंटर मिलेगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ये गाइड है, ये हमें यहाँ पर गाइड करने वाले हैं इस ताजमहल के लिए। हाँ बोलो ना। यूसुफ नाम है, एक्सप्लेन करूँगा। यूसुफ अली अब कहाँ तक उधर तक गाइस ये देख सकते हो, आपको चार्ज मिल का एक टॉप तो दिख गया होगा। अभी रितेश ने मुझे उठाया हुआ है, ये देख लो की लड़ाई चल रही है इसकी और इसकी। ये है हमारे जो नए गाइड है, ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम बाबूदीन। ये आप देख सकते हैं इनका आईडी। और ये हमें अभी ताजमहल के, हाँ ये हमें अभी ताजमहल घुमाने वाले हैं। गाइस अभी हम दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज हम जो एंट्री है वो दूसरे गेट से करने वाले हैं। दूसरे गेट पर जाने पे देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट मिलेगा आपको, बट हम जो है वो दूसरे गेट से एंट्रेंस करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। आप ये देख सकते हैं वहाँ हम हमारे गाइड को फॉलो कर रहे हैं, वो हमें दूसरे गेट की, ये आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं आप वेस्ट गेट मिलेगा, ये है ताजमहल का वेस्ट गेट। यहाँ पर आपको यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है फतेहपुरी बेगम शाहजहां का फर्स्ट वाइफ, अच्छा उन्हीं के नाम से मस्जिद बनाई है फतेहपुरी मस्जिद। ये आपको फतेहपुरी मस्जिद, ये आपको यहाँ पर फतेहपुर मस्जिद मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ शॉप्स भी मिलेंगी, या फिर यहाँ पर आपको घर घर मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे घर है वर्कर लोग की, ये वर्कर रहा करते थे शाहजहां के टाइम में। अच्छा ये अंकल ने हमें अभी बताया कि ये जो ये पहले कॉलोनी थी जो शाहजहां के वर्कर रहते थे उनकी। इन्होंने हमें अभी बताया है कि जो 15 साल के नीचे के लोग हैं उन्हें टिकट नहीं लगता है, और जो 15 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें दो टाइप के टिकट होते हैं यहाँ पर। एक की कॉस्ट होती है 50 रुपीज, और एक की कॉस्ट होती है, दूसरे की कॉस्ट होती है 250 रुपीज। दोनों में जो फर्क है वो हम आपको अंदर जाकर बताएंगे। यहाँ पर ये जो अंकल है ये हमें इस जगह पर लेकर आए हैं, यहाँ पर जो आपके 50 रुपीज के टिकट है। गाइज हम लोग यहाँ पर जो हमारी 50 रुपीज की एंट्री टिकट है वो ऑनलाइन निकाल रहे हैं इन अंकल की जो पीसी है उससे। हम लोगों ने 8 टिकट लिए हैं जिसकी हमें टोटल कॉस्ट पड़ी है कुछ 400 रुपीज। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं वेस्ट गेट से ईस्ट गेट की तरफ, अभी यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं, और जो हमारा जो मतलब एंट्रेंस का टिकट है वो हम लोगों ने ले लिया है पीछे से ही, और एक्स्ट्रा जो चार्जेस पे करने हैं वो हम आगे पे करने वाले हैं। जो वेस्ट गेट है वहाँ उससे बहुत ज्यादा कम भीड़ है, मतलब यहाँ पर आपको भीड़ दिखेगी ही नहीं, इतनी कम भीड़ है यहाँ पर, नहीं तो वेस्ट गेट पर बहुत भीड़ थी, इस वजह से हम इस ईस्ट गेट की तरफ आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको एंट्री यानी कि प्रवेश का जो ये है गेट वो मिलेगा। गाइस यहाँ पर आपको सिक्योरिटी चेक, टूरिस्ट का सिक्योरिटी चेक मिलेगा।
गाइज अभी हम लोगों ने यहाँ से एंट्रेंस कर ली है, तो फिर गाइज अभी हम पास करने वाले हैं यहाँ का जो सिक्योरिटी चेक है उसे। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी चेक की मशीन्स लगी हुई है, वो एरिया जो है वो लेडीज के लिए और ये जेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ एंट्री है ताजमहल के लिए, तो एंट्री नहीं होती, सिक्योरिटी चेक था वहाँ पर, फुटेज अलाउड नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। गाइज यहाँ पर आपको इमेजेस मिलेंगी ताजमहल की, ये ईयर 1862 की, 1874 1882 1884 1892 की है ये 1898 की है, ये 1899 ये 19 ये जो है ये 1910 की, ये 1959 की है, ये 1985 की, और ये पहली जो कलर्ड इमेज है ये 1987 की है। यहाँ पर आपको 1983 2001 और डायरेक्टली जो इमेज है नेक्स्ट वो 2015 की है, ये 2018 की इमेज है। ये आपको यहाँ पर वेदर्ड रेडस्टोन रेड सैंडस्टोन मिलेगा। गाइस अभी हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, अभी यहाँ पर भी आपको एक एंट्री चेक पोस्ट मिलेगा। गाइस ये यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है, आप यहाँ पर जो ताजमहल का ईस्ट गेट है यहाँ पर इसका एग्जिट है। ये जो है यहाँ का मेन गेट है। सब लोग आ गए आप, आई एम स्टार्टिंग, एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनने का और जो चीज नहीं समझ में आए उसको दोबारा रिपीट करने का। आई एम स्टार्टिंग मैडम, एक्सक्यूज मी, ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप लोग, इस एरिया को बोलते हैं ताजमहल का फोर कोर्ट एरिया, या ताजमहल का चार गेट है और चार ही गार्डन है, वो सामने वाला आपका गेट है जहाँ से मैंने आपको पिकअप करा ना, उसको बोला था वेस्टर्न गेट, द वेस्टर्न गेट शाहजहाँ का फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम के नाम से, एंड सेकेंड गेट ईस्ट गेट शाहजहाँ का सेकेंड वाइफ सलबी बेगम, द टू वाइफ नो चिल्ड्रन विदाउट चिल्ड्रन, एंड थर्ड वाइफ मुमता 14 बच्चे हुए 14 चाइल्ड। ये बीच वाला साउथ गेट, यह है लेबर कॉलोनी गेट, जो 20,000 वर्कर लोगों ने काम मिल रहा है ना उनका लेबर कॉलोनी, जिस कॉलोनी में से आपको लाया हूँ ना, ऐसी चार कॉलोनियाँ जो उनके वर्कर आ जाते हैं। पहले इस गेट से भी एंट्री होता था, अभी हाल फिलहाल इस गेट से एंट्री बंद कर दिया, खाली ऑब्जेक्ट गेट से, इन दोनों गेटों से एंट्री है वेस्ट और ईस्ट। इन तीनों गेट से आने के बाद मेन गेट से अंदर जाते हैं, यह नॉर्थ में, जो नॉर्थ में है वो है ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट जिसको बोलते हैं रॉयल गेट। इस गेट का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट, अबाउट 35 मीटर्स। ये फ्रंट पर जो तीन साइड से लेटर लिखा ना व्हाइट में ब्लैक से, ये है अरबियन लैंग्वेज, ये अरबी में कोटेशन इन द कुरान। इस लेटर की ये खूबी है कि आप बॉटम से लेकर टॉप तक देखें तो लेटर देखने में बिल्कुल सेम साइज लगता है, लेकिन ये लेटर सेम साइज है नहीं, क्योंकि जब ये लेटर बॉटम से टॉप पर गया, इधर देखिए मेरा हाथ, एंड बॉटम लेटर स्मॉलर एंड टॉप लेटर बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, टॉप लेटर मच बिगर, लेकिन द सेम साइज, वॉट नॉट सेम साइज, आउट ऑफ टेलीग्राम। और ये कोई कलर कोई साइड से नहीं लिखा गया, ये एक पत्थर आता है ब्लैक ऑनिक्स, और इसको कसौटी पत्थर ही बोला जाता है, सुनार लोग सोना किसके देखते हैं ना, ये वो पत्थर है। इस ब्लैक को व्हाइट के अंदर 1.5 इंच अंदर डीप किया हुआ, बिफोर नो लाइट नो मशीन ऑल द बाय हैंड वर्क। ये फ्रंट पर जो फ्लावर्स देख रहे हैं आप, कलर फ्लावर्स, ये नो कलर नो पेंट, ये सारे कलर स्टोन, इनको बोलते हैं सेमी प्रेस स्टोन, जो सूरज की किरणों से और चंद्रमा की लाइट से ये डायमंड की तरह चमकते हैं। इन स्टोनों को भी 1.5 इंच एंड व्हाइट मार्बल में डीप किया हुआ है, जिसको बोलते हैं इल लेवर। टॉप में जो छोटे छोटे डोम है ना ऑनियन डिजाइन में व्हाइट में, ये 11 डोम है फ्रंट साइड, 11 बैक साइड, 11 11 प्लस 22, तो इस ताजमहल को भी कभी डोलों को लगा 22 ईयर्स, 1 ईयर ऑफ 1 डोम। ये छोटे छोटे रूम देखते ना आप लोग ऐसा राउंड में, ये है 210 रूम्स, एंड दैट टाइम नो एनी होटल नो गेस्ट हाउस, एंड दैट टाइम विजिटर स्टे, क्योंकि 375 साल पहले ताजमहल बना था रूम है, तो उस पीरियड होटल वगैरह थे ही नहीं, लेकिन उस पीरियड में जो भी लोग जाया करते थे वो यहाँ स्टे किया करते हैं।
अब आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ओके प्लीज कर। ये क्या 21 टॉम है, 11 इधर है, 11 पीछे, 22 22 साल लगा ना बनने में, पूरे चार है, 1 2 4। नहीं मैडम, मैं व्हाइट वालों की बात कर रहा हूं, बड़े वाले बोल रही हूं मैं, बड़े वालों की नहीं बोल रहा, मैं छोटे वालों की बोल रहा, व्हाइट वालों की। 21 वर्ष बांधा लग लेते 21 टॉम वो चार इसलिए बनाया इसके डेकोरेशन के लिए, खूबी है, चार इधर चार वो साइड से, हर चीज को ताजमहल को जो बनाया ना वो सीमेंटी से बनाया, ऐसा नहीं है एक साइड कोई चीज बनी उसका जवाब दूसरी साइड ना हो, पूरा ऑल द बिल्डिंग सीमेंटी। अभी खड़ा हुई सर, एक्सक्यूज मी, सारे ग्रुप को लोग ग्रुप का फोटो लेते हैं, रॉयल गेट का आपका, सब लोग का जाइए। चलो गाइज, ये जो हमारे गाइड है ये अभी हमें एंट्रेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो मेन एंट्रेंस ये जो थे, ये भैया अंकल ने हमें बताया कि ये उस टाइम पर गेस्ट रूम्स थे यहाँ पर। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऐसे 210 गेस्ट रूम्स बने हुए हैं। बस यहाँ के यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो एंट्रेंस है उसका स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं, ये जो सब यहाँ पर लिखा हुआ है ये अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मेन गेट है ताजमहल का, और हमें यहाँ से ताजमहल भी दिख रहा है। एक में समय रही तो गाइज, अभी हम एंट्रेंस कर रहे हैं और हमें यहाँ पर ताजमहल भी दिख रहा है। चांद के ऊपर ऐसे नॉक बना, उस नॉक का और इस गेट का दोनों का सेंटर है, सेंटर और ताजमहल का सेंटर व्यू आता है ऑन द गेट। वो टॉप पे जो चांद बना है ना, चांद के ऊपर जो नॉक बना है, उस नॉक का इस गेट का दोनों का सेंटर है, वो ताजमहल का सेंटर व्यू आता है ऑन द गेट। Exactly in the center view of Taj Mahal. Come look here, inside. Where are you, aap log? That's it, what? Come. That's it, we have. Same. Guys, abhi hum aage chalte hain. गाइस अभी हम आगे जा रहे हैं। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमें तो यहाँ से ताजमहल दिख रहा है। तो गाइस अभी हम चलते हैं हमारे गाइड के साथ। चाय में आइए आप लोग, इधर आ जाइए आप लोग सब। इसकी तो कीमत भी नहीं होगी। अरे सर, आपकी कीमत क्या कुछ कोई बोल भी नहीं सकता। कितना कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान की नाक है ये बिल्डिंग। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनिएगा और जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको दोबारा रिपीट कर लेगा। आर यू स्टार्टिंग? आर यू स्टार्टिंग? एक्सक्यूज मी, नहीं, ताजमहल का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 243 फीट 81 मीटर। जो बैक साइड से जो हाइट है लीवर साइड से
वो है 25, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा जो नदी वाला वो काफ़ी नीचे है, इसलिए उसका हेट ज़्यादा। और ये जो फोर मीनार बनाया ना, फोर मीनार ये बनाया है कैंडल कैंडल डिज़ाइन में। ये चारों मीनार देखने को ऐसा लगता है कि एकदम सीधा स्ट्रेट में, लेकिन जो स्ट्रेट में नहीं है, 3-4 डिग्री आउटसाइड एंगल में बना, इसलिए बनाया है कि कभी भी इनकेस अगर भूकंप वगैरह आया, कोई भी मीनार अगर डैमेज हो तो बिल्डिंग साइड ना आउटसाइड हो। अगर बिल्डिंग साइड गिरेगा बिल्डिंग को लॉस होगा, आउटसाइड गिरेगा फ्री नो लॉस। तो स्टार्टिंग में ही चारों आउटसाइड बनाए। तो वन मीनार का जो हाइट है वो है 175 फीट। ये वाइट मार्बल है फ्रॉम राजस्थान मकराना, अबाउट 360 किलोमीटर। और ये रेड सन स्टोन है, यहाँ का लोकल है एंड कम्स फ्रॉम फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर। उस जमाने में ट्रेन प्लान मोटरगाड़ी था ही नहीं, तो जितना ये पत्थर आता था हाथी ऊट बैलगाड़ी। ये गार्डन देख रहे हैं आप, ऐसे ही गार्डन में 16 गार्डन है, 16। एक लेन में 4 वो साइड में, दूसरी लेन में 4, 8 इधर 8 वो साइड में, 16। ये 16 गार्डन साझा गार्डन में थे, फ्रूट गार्डन। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए उन लोगों ने चेंजिंग कर दिया, फ्लावर्स गार्डन। जो राइट हैंड बिल्डिंग बना रेड बिल्डिंग, ये शाहजहाँ का रॉयल गेस्ट हाउस। और सेम बिल्डिंग बना लेफ्ट साइड, ये मॉक मस्जिद। ये दोनों बिल्डिंग ताजमहल की सेम दूरी पर है दोनों साइड से, और सेम साइज सेम डिजाइन, लेकिन अंदर से सेम नहीं। अंदर से मस्जिद का लुक दिया, और गेस्ट हाउस अंदर से प्लान है, लेकिन बाहर से सेम है। ये सेम इसलिए बनाना पड़ा सिर्फ सिमिट्री के बेस, क्योंकि पूरे ताजमहल को जो बनाया वो सिमिट्री से बनाया, भले एक दूसरे का जवाब। ऐसे ताजमहल को आप चारों साइड से देखिए, फोर साइड सेम, इस साइड से देखिए सेम, क्योंकि पूरा ही बिल्डिंग सिमिट्री में बना दिया। क्योंकि मुमताज का जो क्राउन था वो उसी डिजाइन में था, चारों मीनारे हटाकर जो बीच का पोजिशन है वो मुमताज का क्राउन का डिजाइन। एंड ताज महल, एंड ताज मीन्स द क्राउन, महल पैलेस, क्राउन्स पैलेस। एक्चुअली में इसका नाम ताजमहल नहीं है, इसका नाम है मुमताज महल, लेकिन शॉर्ट में लोग कहते हैं ताजमहल। इस बिल्डिंग का जो मेन आर्किटेक्चर था अमानत खान सिराजी, इनकम फ्रॉम ईरान। और दूसरा जो आर्किटेक्चर था मोहम्मद ईसा खान, इनकम फ्रॉम टर्की। और ये बिल्डिंग का जो डिज़ाइन दिया ये पर्शियन डिज़ाइन। इस बिल्डिंग का जो स्टार्टिंग हुआ बनना 1631 स्टार्टिंग एंड 1653 कम्प्लीट। द ओल्ड बिल्डिंग कम्प्लीट टाइम 22 ईयर्स, 20,000 पीपुल वर्किंग एवरी डे। एंड दैट टाइम लगे थे 4 करोड़ रुपीज, ओनली लेबर चार्ज, नो मटेरियल। मटेरियल साहब गिफ्ट मिला, जिनके राजा मान सिंह थे उनके लेशन में थे, मार्बल तो फ्री मिला राजस्थान से। लेकिन ये 16 तरह के कलर स्टोन वगैरह लगे ना, ये स्टोन है अदर कंट्री से लग रहा है। आराम से एंजॉय करिए आप। मुमताज के बनने के बाद बना मुमताज के सामने बन जाता मुमताज बढ़ती है स्टोन। नहीं नहीं आगरा फोर्ट में रहते थे, रेड फोर्ट में रहने का, रेड फोर्ट में था। एक्चुअली में क्या है, ये कब्रुस्तान है, कब्रुस्तान को एक महल का रूप दे दिया। हाँ रहने का उनका रजिस्ट्रेशन वही था। मुमताज का डेथ हुआ 1630 में, शॉर्ट में बच्चे की डिलीवरी पीरियड। मुमताज का डेथ हुआ बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में। पहले शाहजहाँ की प्लानिंग थी बुरहानपुर में ही ताजमहल बनवाएंगे, लेकिन आर्किटेक्चरों ने बताया इम्पॉसिबल, वो जगह सही नहीं थी। ताजमहल वो जगह बना है जहाँ भौचाल तूफान नहीं आते, उनकी जो थोड़ा ये सेट है, इसलिए यहाँ ताजमहल बनवाया। बुरहानपुर से मुमताज की डेड बॉडी यहाँ ला के रखी गई, पहले उसकी डेड बॉडी शिफ्ट करी, फिर साथ में बाकी ताजमहल साइडों से बनना चाहिए। शिफ्ट करके फिर भैया 14 बच्चों में से उसके 8 बच्चे मर गए थे, इसमें 6 बच्चे, जिसमें 2 बेटी 4 बेटे। बेटियों का नाम था, बेटियों का नाम था रोशनारा जहारा, बेटों का नाम था दारा मोरा सुजात औरंगजेब। औरंगजेब 3rd नंबर का बेटा था, 2 औरंगजेब से बड़े थे 14। और ये बैक साइड में यमुना के उस नहीं बसता, वो एक्चुअली में क्या है, शायद की प्लानिंग थी जैसे मुमताज की यादगार में बनाया, वो ऐसे ही बिल्डिंग चाह रहे थे ब्लैक में। बेटा औरंगजेब वो नहीं चाहता मनी वेस्ट करा, ये पब्लिक का पैसा है, 4 करोड़ इसमें खर्चा करा, 4 करोड़ वहाँ खर्चा करोगे तो पैसा तो आवाम का खर्चा होता है ना, पब्लिक का। इसलिए उन्होंने शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया आगरा फोर्ट में, नजरबंद का मतलब नहीं जेल में डाल दिया। गाइस अगर आपने अभी सुना होगा, ये जो अंकल है इन्होंने हमें जो ताजमहल की हिस्ट्री है वो बताई है। 10% यार हमको श्योर, थैंक यू, गुड। गाइस अभी हम जा रहे हैं जो टिकट विंडो है वहाँ पर, क्योंकि हमें जो मतलब टॉम है वहाँ पर जाने का टिकट अलग से लेना है। यहाँ पर आपको फोटो पॉइंट भी मिलेगा, अभी हम यहाँ पर फोटो पॉइंट है, आप यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और गार्डन मिलेगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप खेल नहीं सकते।
ताजमहल है इसे अकबर के बेटे शाहजहां ने बनाया है, उनकी जो वाइफ थी मुमताज उनकी याद में जो जो गुजर गई थी। ये जो है ताजमहल, ये एक टोम है, यानी कि इसके अंदर जो मुमताज है उनका मकबरा है। और ये जो है, ये ताजमहल जो है उसे उस टाइम बनाने के लिए 4 करोड़ का खर्चा आया था, जिसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज की डेट में पूरा जो एक देश है उसकी एक साल की इकोनॉमी इस इतने बजट से चल सकती है। चलो अभी हम ऊपर जाकर देखते हैं कि ये जो ताजमहल है ये अंदर से कैसा दिखता है। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। गाइस यहाँ पर आपको ये जो ताज म्यूजियम करके एक जगह है ये मिलेगी। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पर हमारे फोटोज खींच लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं ताजमहल की तरफ। अंदर टॉम है उसके अंदर जाने वाले हैं। ये 200 रुपए का एक टिकट है और ये सिर्फ अडल्ट के लिए जो 15 प्लस है। यहाँ देख सकते हैं ये जो एंट्री है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ से वो जो 250 रुपीस का टिकट है वो लिया है। गाइज आपको ऐसे कुछ शू कवर पहनना पड़ता है अगर आपको अंदर जाना है तो। गाइज अभी हम आ चुके हैं ऊपर। आपको यहाँ पर ताज मस्जिद जो है ये दिख रहा होगा, ये शाहजहां के टाइम पर बनाया गया था। आपको इसकी अपोजिट साइड पर जो मतलब ईस्ट साइड पर आपको एक और इसी की तरह सिमेट्री में बनाई हुई बिल्डिंग दिखेगी, ये हम ऊपर जाकर देखेंगे। गाइज अभी हम आ चुके हैं ऊपर। आप यहाँ ताजमहल की एक झलक देख सकते हैं। हम इसकी एंट्रेंस पर आ चुके हैं ताजमहल की। अभी आपको दिख रहा होगा ये जो ताज मस्जिद है, आपको ये दिख रहा होगा इस साइड पर। आप यहाँ पर एक मीनार भी देख सकते हैं, ये ताजमहल की एक साइड की मीनार है। जो मैं बात कर रहा था आप ये देख सकते हैं, इसे मेहमान खाना बोला जाता है। गाइज अभी हम चलते हैं आगे, जो ताजमहल की एंट्रेंस है वहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ताजमहल है इसका कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटर्स की कार्विंग है वो कितनी परफेक्टली की गई है और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है गाइस। यहाँ पर आपको दूसरी साइड की भी मीनार दिखेगी। अभी हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं अभी हम आगे बढ़ रहे हैं जो ताजमहल की एंट्रेंस है उसकी तरफ। आप यहाँ जो इसकी कार्विंग है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दीवार पर कुछ लेटर्स लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, इस वजह से हम आगे जाकर जो हमारा वीडियो है इसे कट करने वाले है। अब गाइज अभी आप देख सकते हैं जो डिजाइनिंग है इन वॉल्स पर वो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली कार्व की गई है। ये जो पीसेस है इसे जो मार्बल है उसे कट कर इसकी शेप का बनाया गया है ताकि जो ये पीसेस है उसे मार्बल के अंदर फिट किया जाए। ये बहुत अच्छे से ये जो काम है ये किया गया है। आज जो है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलती है फिर भी ये ऐसा जो वर्क है ये करना बहुत हार्ड है। और ये जो है ये कंस्ट्रक्शन उस टाइम पर जो वर्कर्स है उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। आप यह देख सकते हैं जो प्लांट्स आपको दिखेंगे इन्हें भी परफेक्टली कट किया, इनका जो आउटर लेयर है उसे भी परफेक्टली कट किया गया है एंड ये जो प्लांट्स है इन्हें परफेक्टली उसके अंदर फिट किया गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल है।
आप देख सकते हैं दूसरे साइड पर भी सेम टू सेम ऐसी ही कार्विंग मिलेगी। आप ऊपर देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल डिजाइन है यहाँ पर। गाइज अभी हम आ चुके हैं जो मॉन्यूमेंट है उसके बाहर। वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं की है। आप देख सकते हैं अंदर से भी इसे कितना परफेक्टली बनाया गया है। इस ताजमहल को बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस की गई है। यहाँ पर आपको एक छोटा गेट मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली जो मार्बल है इसे यहाँ पर प्लेस किया है, एंड कितने परफेक्टली जो कटिंग है इसके अंदर वो स्टोन लगाने के लिए कितनी परफेक्टली की गई है। ये जो आपको बीच का पैसेज दिख रहा है ये अभी आई थिंक सो गवर्नमेंट ने बनाया है, बिकॉज ये POP का बना हुआ है। ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। ये वुडन का दरवाज़ा है एंड इस पर भी बहुत अच्छे से कार्व किया हुआ है डिज़ाइन का। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसी ही कार्विंग है जो दीवार के अंदर कार्व की गई है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक गेट भी मिलेगा जो टोम है वहाँ पर जाने के लिए, बट ये जो है ये फ़िलहाल अभी क्लोज किया हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं कितना परफेक्टली जो मार्बल है वो प्लेस किया हुआ है। आप यहाँ जो गेट है उसकी डिज़ाइन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो ग्रिल टाइप है बट ये मार्बल से बनाया हुआ है, ये कितना ब्यूटीफुल है। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर जो मेन ताजमहल है उससे बाहर। आप देख सकते हैं इस साइड पर भी सेम टू सेम वैसे ही ताजमहल की जो कार्विंग है वो की गई है। जो जैसे हमारे गाइड ने बताया ये जो ताजमहल है ये चारों साइड से एकदम सेम दिखता है, सिमेट्री, ताकि सिमेट्री मेंटेन की जाए। आपको यहाँ पर एक और जो मीनार है या फिर पिलर है वो दिख रहा है। ये दूसरी साइड का पिलर है गाइस। आप आगे देख सकते हैं आपको यमुना रिवर भी दिखेगी। आपको आगे की तरफ यमुना रिवर देखने को मिलेगी। ये बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। और इसकी जो अपोजिट साइड है रिवर के उस तरफ आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे मीनार बनाए गए हैं। ये जो है ये जैसे हमारे गाइड ने हमें बताया ये ब्लैक ताजमहल की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हो चुकी है, ये आपको उसके निशान मिलेंगे। ये जो आगे की तरफ आप देख सकते हैं वो रेड फोर्ट है या फिर आगरा फोर्ट जिसे आप बोल सकते हैं। ये अभी आप जूम करके देख सकते हैं ये पूरा सेम टू सेम ऐसे ही ये जो हमारा ताजमहल है इसकी तरह दिखने वाला था, बट ये इसका काम स्टॉप हो चुका है। इसकी दो मीनारें मतलब साइड की जो दो मीनारें हैं वो बन चुकी है। आप यहाँ यमुना रिवर, यहाँ पर आप यमुना रिवर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी फेंसिंग मिलेगी ताकि कोई ताजमहल के उस साइड जा ना सके। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे आशा है आपने ये जो वीडियो है ये एंड तक देखा होगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया होगा गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में जैसे हमने आपको बताया है कि ताजमहल में जाने का टिकट कहाँ से लेना है, ताजमहल की हिस्ट्री क्या है, ताजमहल और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। Thank you for watching the video guys. Thank you.